तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आया हूँ उपवन लेक। उपवन लेक एक आर्टिफिशियल लेक है जिसे थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बनाया था 1880s में। तो उपवन लेक आज के तारीख पे मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है थाने में। यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो, पिकनिक मना सकते हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और आप इवनिंग वॉक को भी आ सकते हो, यहाँ पे जॉगिंग भी कर सकते हो आप। तो जैसे मुंबई में हर साल काला घोड़ा फेस्टिवल होता है, वैसे ही थाने में यहाँ उपवन पे हर साल संस्कृति आर्ट फेस्टिवल होता है। तो लेके ठीक बीच में एक शिव भगवान का स्टैचू, और लेके ठीक बाजू में आपको एक गणेशा टेम्पल भी मिलेगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लेक साइड रेस्टोरेंट्स भी है। तो रहे बात यहाँ तक पहुँचे कैसे, तो उपवन लेक थाने से 5.4 किलोमीटर दूर है। तो आप चाहे तो रिक्शा से आ सकते हो, बस से आ सकते हो, या फिर प्राइवेट गाड़ी है तो वेल एंड गुड। तो रही बात ऑटो रिक्शा की, तो आपको स्टेशन से उपवन लेक तक ऑलमोस्ट चार्जेस होगी 80 रुपीज़ की। आप चाहे प्राइवेट व्हीकल लो या ओला या उबर करो, प्राइसेस में ज़्यादा फ़र्क नहीं होने वाला है। तो ऑलमोस्ट 78-80 रुपीज़ होने वाला है। तो यस, अगर आप बस से आना चाहते हो तो आप थाने वेस्ट से बस पकड़ सकते हो डायरेक्ट उपवन लेक के लिए, या फिर पलाय देवी मंदिर बस स्टॉप बोल दीजिएगा। चार्जेस होता है ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ के आसपास। तो ये वही लेक साइड रेस्टोरेंट से जिसका मैं आपको बता रहा था पहले।
तो पेश है टिकटॉकर्स और कपल्स का अड्डा। चारों
सही है। फोटोज के लिए सही है। आगे गेट तो आपको बंद दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फेंस के ठीक बाजू में एक छोटा सा ओपनिंग है, तो आप वहां से बाहर निकल सकते हो।
तो ये है सेकंड स्पॉट जहाँ पे आपको लेक साइड रेस्टोरेंट्स दिखाई देगा। तो ये वही एरिया है जहाँ से हम लोग अभी आए।
तो यहाँ पे है एक पब्लिक टॉयलेट। तो हम वही रास्ता पहुंच गए जहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अंटिल देन गुड बाय। ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के प्लीज सब सारा खबर सबर कराए सारा सारा कब वट एवर।